मात्र 200 रुपए से बिजनेस, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। आज आप मेरी वीडियो देखो या मत देखो, वो आपके ऊपर है। देखोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं देखोगे नहीं अच्छा लगेगा, किसी और वीडियोज को देखोगे। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, मेरी तरह एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियोज को सीना ठोक करके देखिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा जिन जिन भाइयों को सपोर्ट चाहिए। मैं सपोर्ट भी करने वाला हूँ फ्री में, फ्री में आपका चैनल जो है मैं प्रमोट करने वाला हूं। उसके कुछ रूल है, मैं बताता जाऊंगा, समझिएगा। अगर आप भी मेरे तरह एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, महीने का 50,000 रुपया आप कमाना चाहते हैं, तो आज ये वीडियो चाहे जितनी भी मर्जी लंबी हो इसको अंत तक देखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना जो है एक्सपीरियंस, जो 3 साल का मेरा कड़ी मेहनत का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 3 साल यार कम दिन नहीं होते हैं, ठीक है। और YouTube पे ऐसे फलाना ढिकाना करके बताते हैं ना बड़े बड़े यूट्यूबर। आज दिवाली का दिन है, जगह जगह पटाखा फूट रहा है, लेकिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं यार मैं कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम ये तो कर सकता हूं, लोगों को कुछ दे तो सकता हूं, कुछ ऐसा बता दूं जो लोग परेशान है। 10-10, 100-100 रुपए मारा मारी करते हैं, 100-100 रुपए के लिए। घर में देखा हूं मैं, मेरे घर में होती थी 100-100 रुपए के लिए मारा मारी। सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे हमारे घर में, इतने बुरे हालात थे। तो अगर मैं उस कंडीशन से आकर के यहाँ पे आपके सामने बोल सकता हूँ, आपके सामने यार यूट्यूबर बनकर के लाखों लोगों को जोड़ सकता हूँ, लाखों लोग सब्सक्राइब मुझे करते हैं, क्यों करते हैं जानते हैं? उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, मैंने कुछ किया है। और लोग भले ही बुरा बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं सही कर रहा हूं, और मुझे ये एकदम पूरा मतलब क्लियर नजर आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं और इसे क्या होने वाला है। आज बिल्कुल फ्री में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो मात्र 200 रुपए से बिजनेस। 200 रुपए का यार आपका कुछ नहीं लगेगा, जीरो जीरो समझ लो आप, मात्र 0 रुपए से आपका बिजनेस स्टार्ट है। बस मेरे तरह अगर यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो अंत तक देखिएगा इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए। मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया था दोस्तों आप एक यूट्यूब चैनल बनाइए, क्यों नहीं बनाते हो यार आप, क्यों नहीं बनाते हो? मैं क्या करूं आखिर आपको, मैं कौन सा बुट्टी है जो घोल करके आपको पिला दूं और समझाऊं? कैसे मैं प्रूव करूं आपको, कैसे समझाऊं कि भाई से महीने का 50,000 रुपए मिलते हैं? आपका जितना चैनल बड़ा होता जाएगा उतना ज्यादा रकम मिलता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लोग महीने का 10-10 लाख, 9-9 लाख, 8-8 लाख रुपए कमाते हैं। अब आप बोलोगे कि आप क्यों कितना कमाते हो? अरे मैं भी कमाता हूं यार, मैं उतना नहीं कमाता, कम कमाता हूं, लेकिन मैं भी कमाता हूं। सभी यूट्यूबर कमाते हैं, कोई भी जिसका लाख सब्सक्राइबर होगा यार वो महीने का 40-50 हज़ार रुपये उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, कमाता है। लेकिन रह गई बात की लोग यकीन नहीं करते हैं, इस पर भरोसा नहीं करते हैं। लोग इतने ऐप में जाकर के फंस चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में पता नहीं किस किस फील्ड में जाकर के फंस चुके हैं कि उनको डर लगता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उनको लगता है कि यार मैं कैमरे के सामने बोलूंगा, अरे लोग क्या कहेंगे यार, अरे मैं बोल पाऊंगा, मैं हकलाऊंगा। अरे भाई सब ये छोड़ो ना, मैं भी जब मेरी आप पहली वीडियो जो आप जाकर के देखिएगा मोटिवेशनल बनाया था, मोटिवेट लोगों को किया था कि भाई जीवन में कुछ करना चाहिए, कुछ बनना चाहिए। लोगों ने नहीं देखा और पता क्या, उसमें व्यूज ही नहीं आए। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज होगा तो 50-60 व्यूज होगा, 50-60 लोगों ने देखा, 3-4 साल हो गया आज तक उस पर व्यूज नहीं आया। मुझे बोलना ही नहीं आता था, सीढ़ियों पे रख करके मैं अपना वीडियो शूट करता था, जैसे होता है ना पावदान उसके सीढ़ियों के ऊपर ऐसे रख करके, और फिर मैं सीढ़ियों के पास ऐसे खड़ा होकर के या बैठ करके और बोलता था, लोगों को मोटिवेट करता था। तो उससे मैं अगर हार मान जाता तो आज लाखों लोग मेरे से जुड़ते नहीं, जुड़ते ना। तो फिर मैंने क्या किया, उस पर 50 वीडियोज बनाए, नहीं चला। फिर उसके बाद से मैंने क्या किया अपना कैटेगरी बदला। मैंने सोचा यार लोगों को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ और लोग मोटिवेट ही नहीं हो रहे हैं, मैं खुद ही डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ, तो मैं लोगों को क्या मोटिवेट करूँ। मैं छोड़ दिया, मैं उस कैटेगरी को ही चेंज कर दिया। फिर मैंने एक वैक्सीनेटर सहायक जो होते थे, आप लोग जानते होंगे, जो पशुओं को सुई लगाते हैं, उस पर मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू किया। वो वीडियोज मैं रैंक करी, थोड़ा सा वीडियो चला, वो यूपी में वैकेंसी निकली थी, वो वीडियो चली। लेकिन इससे पहले जानते हैं मेरी क्या हालात थी, आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं आपको आज बताता हूँ। क्योंकि आज जब तक इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अरे भाई मैं आपको बताऊं कि जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, 10वीं क्लास में पढ़ता था, उस वक्त जो है मेरे नंबर बहुत कम थे। कितने थे? 265-266 यही होगा, 3rd डिवीजन पास था मैं। क्या करता, कौन से जो है, मैं इतना अमीर घर का हूं कि जा करके मैं पैसे वैसे दे करके कहीं एडमिशन करा लेता, ऐसे करा लेता, ऐसा तो होता है लेकिन नहीं कर सकता था ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10वीं 11वीं 12वीं ये सब पढ़ाई मैंने किया, बस आर्ट साइज भाई, नॉर्मल विषय जो होते हैं, सामाजिक विज्ञान ये सब यही पढ़ता था। लेकिन मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ,
देखो जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था उस वक्त जब मैं फेल हो गया था तो मेरे घर वाले मेरे से बहुत नाराज थे और वो कह रहे थे कि यार तेरे को मैं इतना ये किया वो किया ये दिया वो दिया अपने पोजीशन के हिसाब से अपने बजट के हिसाब से और तू फेल हो गया, तू थर्ड डिवीजन आया है, है ना, बाकी सब तो फर्स्ट है सेकेंड है, तू थर्ड डिवीजन आया है। मेरे को मारने लगे, मेरे पिताजी मेरे को मारने लगे और मेरे को घर से निकालना शुरू कर दिए। कहते जा जा तू अपना व्यवस्था कर, तेरा तो खाना भी हराम का है, तू खाना भी नहीं खाएगा। ताला लॉक कर दिया हमारे जो रसोई घर होता है उसमें गांव में लॉक कर दिए। तो मैं क्या करता, मैं रोता रहा रोता रहा। इसी तरीके से दो तीन दिन बाद थोड़ी होता है ना कि जब झगड़ा होता है तो बात खत्म हो जाती है उस, तो उसके बाद से मैं थोड़ा गांव में आर्केस्ट्रा होते हैं नाच वगैरह होते हैं वहां में जा जा के रात भर रात भर देखता था। उसके बाद से मेरे घर वाले उसके लिए और मारने लगे, मेरे पिताजी उसके लिए और मारने लगे और सफा जो है मेरे को घर से निकाल दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, 10 में पढ़ता था यार, गरीब घर का लड़का 10 में पढ़ता था और उस वक्त मतलब कि एक भी रुपए नहीं थे। हाँ एक फ़ोन पाया था, मैं अपने वीडियोज़ में आपको पहले ही बताया हूँ, एक फ़ोन मैंने पाया था नोकिया कंपनी का था जो रोड पे मुझे मिला था, उसको ले जा करके मैंने सेल कर दिया और वो सेल हुआ कितने में, 400 रुपये में, जबकि वो 4000 में उस समय मिलता था और वो 400 रुपये में सेल हुआ, ठीक है, मजबूरी में आकर के मैंने उसको सेल कर दिया। सेल करके वो पैसे हुए और पैसे से मैं सोच रहा था मैं जाऊँ कहाँ। डेली पेपर पढ़ता था, डेली पेपर जो है पढ़ता था, कोई वैकेंसी है, कोई कहीं लड़के की ज़रूरत है, कोई ऐसा दुकान वकान में कहीं पे भी ऐसा तो कुछ काम मिल जाए। तो मैं गया गोरखपुर, मेरे यहाँ से काफ़ी दूर है, 120 किलोमीटर के आसपास है, वहाँ पे मैं गया गोरखपुर और गोरखपुर में एक वैकेंसी निकली थी, एक डॉक्टर साहब थे उनको एक लड़के की ज़रूरत थी जो साफ सफाई करे, जो मतलब कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, कागज़ पत्तर का थोड़ा सा काम था, तो एक तरह से चपरासी बोल सकते हैं, इस तरीके से एक डॉक्टर साहब को ज़रूरत थी। तो मैं वहाँ पे गया गोरखपुर में, पता नहीं क्या नाम से था बट अभी याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे गया और वहाँ पे जाकर के उनसे उनके सामने बैठा। एक तो मैं इतना डर रहा था, सोच रहा था पता नहीं क्या पूछेंगे क्या बोलेंगे क्या पूछेंगे। गया सामने पूछा कि भाई क्या काम है सर बताइए ऐसे वैसे। वो कहा कि भाई 2000 रुपये आपको देंगे और आपका खाना खर्चा सब इसी में है, अब जैसा मर्जी आप करो, ठीक है, आपको ये सब काम करने हैं हॉस्पिटल में। तो मैं कहा 2000 रुपये, 2000 में यार रूम का रेंट जो है 500-600 आएगा, 600-700-800 में खा जाऊंगा, आप ही बताओ यार मैं कैसे रहूंगा। कह रहे भाई जो देखो तेरे को करना है तो कर, नहीं तो मेरे पास बहुत लड़के हैं मिल जाएगा, तू जा सकता है। मैं वहां से चला आया, वहां से आया गोरखपुर स्टेशन पे जाकर के सोच रहा था यार मैं अब कहां जाऊं, घर से तो निकाल दिए घर वालों ने, अब जाऊं तो कहां जाऊं। तो गोरखपुर स्टेशन पे मैं बैठ के यही सोच रहा था, ट्रेनें आ रही थी जा रही थी सामने से, मैं पढ़ रहा था भाई कहाँ जा रही है कौन जा रही है, किसी से जान पहचान नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं। हाँ एक चीज़ थी, मेरे पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था क्योंकि मैं सेल कर चुका था। एक चीज़, एक लड़के का नंबर मुझे याद था, एक लड़के का नंबर मुझे याद था क्योंकि वो मेरा फ्रेंड था, मतलब कि 7-8 में पढ़ते थे उस वक्त, है ना, 7-8 की जो पढ़ाई होती थी वो मेरी अलग होती थी, 10-12 की जो पढ़ाई होती थी वो अलग होती थी, ठीक है। तो मेरा उस लड़के का नंबर याद था, तो उस लड़के को मैं कॉल मतलब किया, एक भाई के फ़ोन से मैं कॉल किया, मैं पूछा कि भाई आप 2 मिनट के लिए मेरी बात करा सकते हैं एक लड़के से। तो उससे बात हुआ तो लड़का कह रहा है कि हाँ आ जाओ, चंडीगढ़ में रहता हूँ और यहाँ पे किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ, यहाँ पे आप आ जाओ, ठीक है। मैं उसे एड्रेस वड्रेस पूछा अपने ना लिख लिया एक जगह पे और ले करके और ट्रेन पकड़ करके चल दिया बिना टिकट का, टिकट के भी पैसे नहीं थे, 300 रुपये थे मेरे पास, लेकिन मैं वो सोचा कि नहीं जो जिसको पकड़ना होगा पकड़ेगा, जहाँ ले जाना होगा ले जाएगा, लेकिन पैसे मैं बचा के रखूँगा क्योंकि यार क्या खाऊँगा। और मैं ट्रेन पकड़ के चला गया अंबाला स्टेशन एक आती है आप लोग जानते होंगे, वहाँ पे गया, वहाँ से बस पकड़ करके और मैं गया चंडीगढ़ 17 सेक्टर में। वहाँ पे जब गया तो वो बोला था लड़का कि मैं यहीं पे आऊँगा, फिर उस लड़के का मैं नंबर लगवा रहा हूँ वहाँ पे किसी भाई के फ़ोन से, तो वहाँ पे उसका स्विच ऑफ आ रहा है, फ़ोन लग नहीं रहा था, स्विच ऑफ। अब मैं क्या करता, आप ही सोचो कि कोई लड़का 10 में पढ़ रहा हो और घर छोड़ करके भगा दिया गया हो, उसके पास पैसे ना हो, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, स्टेशन पे रात गुजारता है और वो अंबाला स्टेशन जो उसके लिए बिल्कुल नया था, उसको पता ही नहीं था कि यहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या होता है, इतने बड़े बड़े शहर, ट्रेन, मकान, दुकान सब दिख रहे थे, और वहाँ पे वो रो रहा है, उसको नहीं पता है कि भाई मुझे आगे क्या करना है, कहाँ जाऊँ, क्या काम करूँगा, कौन ले जाएगा, कुछ पता नहीं है उसको। तो वहाँ पे मैं रो रहा था, बैठ करके रो रहा था कि यार मेरा दोस्त मेरे को धोखा दे दिया, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, ठीक है।
काफ़ी देर तक आप लोग जानते होंगे स्टेशन के जो पीछे बैक साइड में कुछ दुकानें हैं, तो उसके सामने फुटपाथ जैसा है, वहीं पे मैं लेट रहा था। तो कुछ गाड़ी वाले लोग आए और वो कह रहे मेडिकल बड़े, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, पंजाबी भाषा में बोल रहे थे, हरियाणवी भाषा में बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं गाँव का लड़का, मैं क्या जानता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं। इस तरीके से मतलब कि पूरा दिन, सुबह मैं पहुँच गया था, पूरा दिन निकल गया। शाम जब हो रहा था, 3-4 बज रहे थे, तो मैं उस लड़के का इंतज़ार करता और नंबर किसी को, एक तो पहले नंबर की कोई फ़ोन जो है आपको नहीं देता है फ़ोन करने के लिए, कोई नंबर मिलाने के लिए राजी नहीं होता है। बड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद, 10 लोगों से बोलने के बाद एक कोई अच्छा इंसान होता था तो वो फ़ोन मिलाता था। तो इस तरीके से जो है उसको कन्वेंस करके फ़ोन मिलवा रहा था। तो आखिरी में मैं फ़ोन मिलाया तो वो फ़ोन लगा और वो उठाया, बोला हाँ। मैं कहा भाई यार, तेरे को इतना ही धोखा देना था तो यार तू पहले ही बता देता, मैं नहीं आता तेरे पास। बता, मैं सुबह से कल से मैं तेरे का वेट कर रहा हूँ, आज शाम हो चुके यार, तू आएगा, तू आया नहीं। वो बोल रहा है कि भाई मैं आया था, तू मिला नहीं, तेरे पास नंबर नहीं है, मैं तेरे को बहुत ढूंढा, बहुत परेशान थी। उसकी भी गलती नहीं थी क्योंकि वो आया था, बट दिक्कत ये थी ना कि जो जगह बताया था वहाँ पर मैं था, कि मैं गलत था कि वो गलत था, समय गलत था, पता नहीं क्या था यार, लेकिन वो आया था, मैं भी ढूंढ रहा था उसको, वो भी मेरे को ढूंढ रहा था। और जी शाम को मैं बता रहा हूँ, वो उसका जो मतलब कि काफ़ी दिन पहले गया था बाहर, तो उसका चेहरा वेरा थोड़ा मोटा हो गया था, मैं दुबला पतला मरियल सा, मैं उसको पहचान नहीं पाया और वो भी मेरे को नहीं पहचान पाया। बात ये थी कि उसकी शक्ल दाढ़ी वाड़ी रख करके, थोड़ा सा बाल वाल स्टाइल में रख करके वो बदल चुका था और मैं तो खुद ही बदला हुआ था, तो मेरे को वो पहचान नहीं आया और वो भी मेरे को नहीं पहचान आया। तो इस तरीके से मिस हो गया, नौका समझना मिस हो गया। तो आखिर में मेरे को मिला और मिला तो फिर अपने रूम पे ले गया। मैं उसको सारा स्टोरी बताया कि देख मैं ऐसे ऐसा आया हूँ, मेरे को कोई काम लगा दे, ऐसे कर दे वैसे कर दे। वो जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पे मुझे ले गया और ले जा करके बोला कि भाई देख यही काम है, ये सब करना होता है, तू करेगा? मैं हाफ टाइम 1 बजे तक मैं उस काम को किया, उसके बाद से छोड़ करके घर आ गया। मेरे हाथ वाथ कट गए थे, तेल वाला वो सब लोहे का पीस था, मैं घर चला, मेरे से हो नहीं पा रहा था। मेरी एज भी इतनी नहीं थी यार, 10 में पढ़ने वाला लड़का, 10-15 साल का लड़का होता है, 16 साल का, और मतलब जा करके क्या करे यार, कितने हालात खराब हो गए थे मेरे। फिर अगले दिन मैं सोचा कि चलो काम ढूंढते हैं कोई। मैं पूरा जो है चंडीगढ़ में जितने भी मोहाली फेस 1, 2, 3, 4 जितने भी होते हैं, मुझे जितना भी समझ में आ रहा था मैं ढूंढता गया, अकेले ढूंढता गया, कहीं नहीं, सब लोहा लक्कड़ इधर। एक तो कोई काम देने के लिए राजी नहीं होता था कि भाई इस लड़के को कैसे काम दें, और जो राजी होते थे तो वो फिर काम ही इतना भारी होता था कि मेरे से हो नहीं पाएगा। ठीक है, इस तरीके से मेरी ज़िंदगी कट रही थी यार, 2-3 दिन 4 दिन ऐसे कट रहे थे। उसके बाद से मैं सोचा कि यार अब क्या करूं यार, घर भी नहीं जा सकता। एक फैक्ट्री थी रेनबैक्सी, आप लोग जानते होंगे रेनबैक्सी एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे मैं गया और जा करके उसके मतलब जो गेट होते हैं ना, वहाँ पे जो उनके गार्ड होते हैं तो वो पुलिस जैसे होते हैं ना, वैसे उनकी वर्दी थी पुलिस के जैसे। तो मैं उनको देख के डर रहा था, मैं सोच रहा था यार मैं जाऊँ और क्या पता कुछ ना पकड़ लें मेरे को जेल ले जाएंगे, पता नहीं कि रास्ता चलना भी अलाउ है कि नहीं है। मैं ये सब सोच के उनसे डर रहा था और मैं जा नहीं रहा था, सच्ची बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था मेरे को, इसी वजह से मैं डर रहा था। तो हिम्मत करके किसी भी तरीके से एक पेड़ के पास मैं गया। उस पेड़ के पास पहले तो देखा तो कोई नहीं था, लेकिन फिर दोबारा जब देखा मतलब कुछ सेकंड के बाद, तो वहाँ पे एक आदमी मेरे को दिखाई दिया। पता नहीं चमत्कार बोलेंगे भगवान का या क्या लीला है, बस भगवान ही जाने। पहले देखा तो सच बोल रहा हूँ वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन जब दूसरी बार देखा तो वहाँ पे एक आदमी मतलब दिखाई दिया मेरे को, एक लिफाफा लेकर के वहाँ पे खड़ा था। मैं उसके पास गया और जा करके बोला कि भाई आप यहाँ क्या करने आए हैं, मतलब कि आप क्या करने आए हैं, आप काम की तलाश में आए हैं कि या क्या है, मतलब इसी तरीके से बात कर रहा था। वो एज मेरे से कम काफ़ी ज़्यादा था उनका। रामब्रेश उनका नाम था, रामब्रेश, और एकदम सांवला सा लड़का है ना, और वो झिल्ली लिफाफा लेकर के खड़ा था। और मैं उसे पूछा कि भाई आप क्या करने आए, तो कह रहा कि मैं आया हूँ यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। जिंदगी में पहला वर्ड मैंने सुना था इंटरव्यू, कि इंटरव्यू कोई वर्ड होता है, ठीक है। इंटरव्यू का नाम सुनकर के मैं घबरा गया, मैं सोचा यार कितना पढ़ा लिखा होगा तो ये इंटरव्यू देने के लिए आया है, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा। मैंने पूछा कि भाई क्या काम करने के लिए इंटरव्यू देंगे या क्या करेंगे, कह रहा है कि
वो तो ठीक है, तो बता कि तू कहाँ आया है। मैं यही सब बातें कर रही थी और पूछ रहा था मेरे से कि वो आपका घर कहाँ है, मैं उसे पूछ रहा था आपका घर कहाँ है, वो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट नाम ऐसे कुछ ले रहा था, और मैंने अपने बारे में बताया मैं यूपी के रहने वाला हूँ। और ये सब बातें चल रही थी तब तक एक गाड़ी आई और उस गाड़ी में एक आदमी थे, वो बोल रहे थे कि भाई आप में से फ़ोन कौन किया था। वो कह रहा सर मैंने किया था। तो बोला क्या नाम है तेरा, बोला राम ब्रेश, उसका नाम लिख लिया। फिर मेरे को बोला तेरा क्या नाम है, मैं कहा राजेश, मेरा भी नाम लिख लिया, सच बोल रहा हूँ भाई मेरा भी नाम लिख लिया और लेकर के चला गया। और बोल रहा है गाड़ी के मतलब बाहर से कि भाई अभी 5 मिनट के बाद एम्बुलेंस आएगा और आप लोग यहीं पे रहना, वेट करना। इतने जल्दी में वो आदमी था कि वो बस इतना बताया और चला गया। अब मैं इसे पूछने लगा भाई एम्बुलेंस क्यों आएगा, तो ये कह रहा मुझे भी पता नहीं, मैं भी नया हूँ। और सच ही कह रहा हूँ 5 मिनट बाद एम्बुलेंस भी आई और एम्बुलेंस में उन हम दोनों को उठा करके उसमें ले गए, नर्स वर्स थी वो ले गए और लेकर चले गए एक हॉस्पिटल में, पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल था, वहाँ पे ले जाकर लेटा दिया और 2 सुई ला करके हाथों में ठोक दिए, ठीक है। और बैठ के पूछने लगे भाई आपको कहीं दर्द है, बेचैनी है, खुजली है क्या। मैं अंदर से ऐसे लग रहा था ना कि यार मैं आज बस जिंदगी मेरी आज ही है, और मैं उसको गाली दे रहा था अपनी लैंग्वेज में कि यार ये तूने क्या किया, ये कहाँ लेकर आया है ना, तू पहले बता देता कि तू किस काम क्या काम में आया है। मैं उस डर रहा था कि किडनी वडनी निकालने वाला जो सिस्टम होता है वो हो रहा है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, है ना। तो मैं सोचा था मैं बच्चा हूँ, क्या पता यार मेरे साथ क्या हो जाए, मुझे ये सब ज्ञान नहीं था। मेरा यार दोस्त घर वाले किसी मतलब कोई कुछ पता नहीं यार, मैं तो गया हूँ काम के लिए और वहाँ पे ये ऐसा होने लगा। फिर 4-5 घंटे बीते, फिर उन्हें ये चेस्ट का एक्सरे बोलते हैं वो किया, फिर मतलब वो हो रहा था मेडिकल, मुझे पता नहीं था कि मेडिकल होता है। और बिल निकाला 1200 कुछ रुपये का, उसका भी और मेरा भी। तो मैं कहा भाई मेरे पास 1 रुपये नहीं है, आप 1200 की बात करते हो, कह रहे आपको नहीं देना, आप टेंशन ना लो, आप आराम से बैठो, जो मालिक हैं वो देंगे। इस तरीके से मेरा इंटरव्यू हुआ, मेडिकल हुआ, अंदर ले गए रेनबैक्सी में, मेरी पूछताछ यहाँ काम करोगे क्या कैसे, जहाँ पे इंटरेस्ट है वहाँ करो, किस तरीके से बहुत मतलब बातें हुई। मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि भाई मेरे को बहुत तकलीफ हुई उस मतलब कंपनी तो अच्छी थी, लेकिन उससे पहले कंपनी में मतलब काम करने से पहले बहुत तकलीफें झेला, ठीक है। और उसके बाद से ज्वाइनिंग हो गई, काम किया, इसी तरीके से ज़िंदगी कट रही थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब करने के बाद ये YouTube का ख्याल मेरे दिमाग में कैसे आया। अभी तो बहुत साल पड़े हैं, अभी YouTube से मैं 3 साल से कर रहा हूँ, इसके बीच में बहुत मैंने डोमिनोज पिज़्ज़ा में काम किया, डिश टीवी में काम किया, एक से एक ब्रांडेड जो कंपनी है वहाँ पर मैंने काम किया, है ना। और छोड़ा क्यों छोड़ा, उसके पीछे ये है कि ज़िंदगी एक काम करने के लिए नहीं बनी है, जिंदगी में ट्राई करते रहो, जिस पे अच्छा लगे वो काम करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई आपको बांध के रखेगा, ठीक है। और उस समय 4500 रुपये महीना मिलता था, 4500 रुपये महीने पे मैं काम करता था रेनबैक्सी में, मतलब कि कैजुअल में लगा था, ऐसा नहीं कि मैं कंपनी का बंदा था, मतलब ठेकेदार में ही लगा था, 4500 रुपये मुझे मिलते थे। तो दोस्तों मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा मोटिवेट हों, आप यूट्यूब के प्रति जागें यार, देखें कि अगर ये लड़का जब इतना कष्ट झेलने के बाद माँ बाप इसको ठोकर मार के निकाल दिए, अपने पैरों पे खड़ा होकर के, और उसके बाद से जब मैं रेनबैक्सी से कमाने लगा ना, तो मेरे पिताजी मेरे घर आया मैं तो खुशी से एकदम नाचने लगे और मेरी शादी भी कर दिए 2012 में ही, ठीक है। और वहाँ से लेकर के आज 2021 चल रहा है। अब आप ही सोचो कि कितने कष्ट झेलने होंगे, कितने कंपनी चेंज किया, क्या क्या मैंने किया, मेरे हाथों में कितने हुनर हैं, इस तरीके से अपने जीवन में यापन करता रहा। यूट्यूब का ख्याल मेरे दिमाग में कैसे आया, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का तो ज़माना मैं 2016 से जानता हूँ, उसके पहले मोबाइल चलता भी है कि था कि नहीं, ये टच वाला ये सब मुझे पता नहीं है, 2016 के बाद ही मैं मोबाइल फ़ोन लिया हूँ और मुझे पता है। तो 2016 से और 2018 के बीच में मोबाइल फ़ोन को मैं सिर्फ वीडियोज और वो सब देखता था, मतलब वीडियो न्यूज़ ये सब देखता था मज़ा लेने के लिए, इंटरटेन वगैरह करता था, बस यही जानता था। इसमें ये नहीं पता था कि भाई इसमें चैनल होते हैं, इसमें पैसा आता है, ये सब मुझे नहीं पता था। ये आपको भी पता नहीं होगा, काफ़ी लोगों को जो यूट्यूब से पैसा मिलता है। एक वीडियो आया मेरे ज़िंदगी में और उस वीडियोज़ को मैं पूरा देखा और उस वीडियोज़ में मोटिवेशनल वीडियोज़ था और उसमें ये चीज़ मुझे बताया, मैंने समझ में आया कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस उसको सीखते रहिए और ट्राई करते रहिए। ये लाइन मेरे दिमाग में बैठ गई और मैं सोचा कि यार अगर ये इंसान जो बोल रहा है अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं YouTube में क्यों नहीं आ सकता हूँ, मैं एक मतलब कि अच्छा सा बातें क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मैं मोटिवेशनल वीडियो देख करके मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाने लगा
और इस तरीके से जो है मोटिवेट करते करते लोग मोटिवेट नहीं हुए, मैं डिमोटिवेट हो गया। फिर मैंने कैटेगरी चेंज किया, थोड़ा सा और ज्ञान लिया, थोड़ा सा और सीखा। मेरे गांव में लाइट चली गई, 2 महीने तक लाइट नहीं आई, तो 2 महीने तक वीडियो नहीं बनाया, बहुत तकलीफें आई, बहुत कष्ट आया, लेकिन मैं छोड़ा नहीं, मैं हार नहीं माना, मैं लड़ता रहा और आज रिजल्ट आपके सामने है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, मैं बहुत पैसे कमाता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि लाखों लोग ऐसे होंगे जो मेरे लेवल पर आना चाहते होंगे, वो भी सोच रहे होते हैं कि यार मैं भी पैसे कमाऊंगा, बहुत लोग ऐसे होंगे। तो मैं उनके लिए हेल्प करने के लिए चैनल खोला हूं, और मैं सोच रहा हूं कि यार बिजनेस तो मैंने बहुत दे दिया, अब मैं कुछ ऐसा करता हूं, आज दिवाली के दिन से मैं कुछ ऐसा सोचता हूं। अगर इस वीडियोस पे बहुत ज़्यादा कमेंट आया, बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दिखाया और उन्होंने बोला कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे जानना है, तो मैं सच में कैटेगरी चेंज करके और आप लोगों को लिए यूट्यूब टिप्स के बारे में देना शुरू कर दूंगा, यूट्यूब के बारे में बताना चाहूँगा, बिल्कुल फ्री में आपका मैं प्रमोशन करूँगा, कुछ ऐसा मैंने सोचा है। तो आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग अपना राय दीजिए कि यार आपको बिजनेस आइडिया देखना है कि आप लोगों को ये देखना है कि YouTube से पैसे कैसे कमाते हैं, आप लोग को क्या सीखना है। मैं दोनों चीज़ें सिखा सकता हूँ, अगर मैं बिजनेस का आइडिया डालता हूँ तो उस पर व्यूज मेरे बहुत आएंगे, मैं YouTube से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो इस पर व्यूज नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। बट यार जिस पर नहीं आता है उसी पर तो मज़ा आता है काम करने पर, कि यार आखिर क्यों नहीं आ रहा है, लोग क्या चाहते हैं। तो आप भी अगर YouTube पे पैसे कमाना चाहते हैं तो प्लीज आज के दिन आप मुझे कमेंट कीजिएगा, जितना ज्यादा संख्या में आप कमेंट और लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बाद में पछताएंगे, अगर ये आपके ब्राउज फीचर से निकल गया ना तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा यार, वो लड़का था, फिर आप मेरे को ढूंढेंगे और मैं मिलूंगा नहीं, सही कह रहा हूं मैं, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट मुझे बताइएगा क्या आप YouTube से पैसे कमाना चाहते हैं। YouTube में यार बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदली है, आपका भी बदलेगा ऐसा मेरा मानना है, मेरी भी ज़िंदगी YouTube ने ही बदली है। आज जो भी मेरे पास देखते हैं, जो भी मैं पहनता हूँ, जो भी खाता हूँ, जो भी ए टू जेड सब कुछ मैं YouTube से ही करता हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ मैं, 2 बच्चों का अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। आप तो फ्री हैं, आपके पास तो मानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शादी भी नहीं होगी, तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्त आप कीजिएगा, घबराइएगा मत। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी लंबी हो गई है, मैं जानता हूं कि आप लोग बोर हो रहे होंगे, बट ये बताना ज़रूरी था यार अपने बारे में, जब तक मैं नहीं बताता तो आप लोग समझते कैसे, इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग प्लीज़ यूट्यूब चैनल बनाइए, उससे पैसे कमाइए, मेरे घर से थोड़ी कुछ जाता है यार, सब यूट्यूब देता है, क्या दिक्कत है। थैंक यू।